हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति एंड सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि आदित्य को भेजना है स्कूल। तो सुबह सुबह बॉक्स में साउथ में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है रोटी नहीं देते हैं, ज़्यादातर चावल ही देते हैं। तो वो रीज़न इसलिए क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट में जो है रोटी थोड़ा गर्म कर देती है बॉडी को, कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। पहले भी मैंने बताया है, मतलब मेरे घर में हमको तो सूट इतना नहीं होता है, इसलिए बॉक्सेस में भी मेरे हस्बैंड हो चाहे बच्चे हों चावल ही लेके जाते हैं। तो चावल मैंने सबसे पहले जो है राइस कुकर में पहले चढ़ा देती हूँ ताकि वो पकता रहे और उसके बाद मैं अपनी सब्जियाँ वब्जियाँ बना लूँ जो भी बनाना है। तो मैं उसको बॉक्स में दाल वाल नहीं देती हूँ क्योंकि बॉक्स में दाल रखने से उसको मिला के खाना नहीं आता है कि सेपरेट दाल डाल डाल के मिला ले। तो इसलिए जो है मैं फ्राई बनाती हूँ, कोई चाहे आलू हो गया या कुंदरू हो गया, ऐसे फ्राइज रखती हूँ क्योंकि वो खाते टाइम भी टेस्ट अच्छा ही लगता है, फीके नहीं होते। तो मैं अभी बना रही हूँ आलू एंड कुंदरू मिक्स फ्राई, क्योंकि आलू भी दो ही बचे हैं और थोड़े से कुंदरू बचे हैं, उसके लिए हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैं हमारे लिए बाकी और कोई दाल वाल वो बाद में रख दूँगी। तो ये कटर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। एंड पैन में मैंने पैन जो है रख लिया है, थोड़ा सा गर्म होते ही आप जैसे ही जब भी आलू फ्राई बनाते हैं तब आप जो है तुरंत उसमें नमक मिर्ची एंड हल्दी पहले डाल देंगे तो वो चिपकेगा नहीं पैन पे। एंड अभिषेक जो है बाजू में बैठा है और गाने गा रहा है, कुछ कुछ साउंड आ रहा होगा आपको बैकग्राउंड में। अगर नहीं आ रहा है तो ठीक, अगर आ भी रहा है तो थोड़ा बेयर कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा ही होता है जब वॉइस ओवर करना हो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो, बच्चे बात नहीं सुनते। और अभी मैंने पहले आलू डाल दिया है एंड उसके बाद कुंदरू भी, ये मैंने धो के यहाँ पे रख लिए। एंड इस कटर की वजह से बहुत जल्दी से कटिंग हो जाती है, ऐसा नहीं है कि पहले बैठ के काटो और फिर खाना बनाओ, तो साइमल्टेनियसली हो जाता है। तो मैंने कुंदरू भी डाल दिया है और अभी इसको एक छोटा सा मिक्स देने के बाद बस इंस्टेंटली मिक्स देने के बाद ही मैं जो है नमक मिर्ची हल्दी इसमें ऐड कर दूंगी। और कुंदरू, और अगर आपने आलू कभी नहीं बनाया मिक्स करके तो बना के देखिए, काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट फ्राई में भी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक एंड देन दिस इज़ हल्दी एंड उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च। तो ये लाल मिर्च आपको लग रहा होगा ज़्यादा डाला, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, इसमें जीरा दालचीनी इन सबको मिक्स करके करते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा डलती है लेकिन तीखा इतना नहीं होता है, तो टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, देखिए अभी तक चिपके नहीं है, और पहले डालते ही अगर आप नमक मिर्ची पहले डाल देंगे तो वो बिल्कुल चिपकेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे मेरी रेसिपी बन चुकी है एंड थोड़ा सा मैं गर्म पानी पी रही हूँ। अभी गर्म पानी से प्याज भी बहुत जल्दी बुझ जाती है। जब मेरे हस्बैंड उठ गए थे तो मैंने जो है चाय भी बना दी, और सुबह सुबह चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, कितना भी स्किप करने का सोचो ना हो ही नहीं पाता है। एंड मौसम देख रहे हैं बाहर का कितना सुहावना हो रखा है, सुहावना क्या मतलब ये वाला मौसम जो है ख़तरनाक वाला मौसम होता है क्योंकि बच्चों को बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती है इस मौसम में। एंड जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ इस ब्लॉग के आगे यही हुआ है जो मैंने कहा है आपसे, वो भी सुन लीजिएगा। तो थोड़ी देर मैं और मेरे हस्बैंड जो है बाहर बैठ के चाय पी रहे थे और उसके बाद अंदर आके मैंने टिफ़िन बनाना शुरू कर दिया। आदित्य को स्कूल भेज चुका है और चाय भी हम लोग आदित्य के स्कूल जाने के बाद ही पीते हैं क्योंकि उससे पहले बहुत भागा दौड़ी चलती रहती है। तो मैं अभी टिफ़िन में इडली के लिए बैटर डाल रही हूँ उसके बर्तन में, एंड साइड में मैंने मूंगफलियाँ डाल दी है। तो मूंगफलियाँ जो है जैसे ही मैं पैकेट खोलती हूँ वैसे ही मूंगफलियाँ पूरी क्लीन करके रख देती हूँ क्योंकि बार बार क्लीन करना डब्बे में निकालना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो एक ही साथ क्लीन करके रख लो तो झंझट नहीं रहता है। तो मूंगफली में उसमें चटनी बनाने में मैंने रेसिपी पहले शेयर कर रखी है इसलिए अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, उसके बाद कुछ अर्जेंट काम हुआ तो मैं उसके बाद शूट नहीं कर पाई। एंड दिस इज़ इवनिंग, नेक्स्ट इवनिंग एक्चुअली। तो आदित्य का अगले दिन जो है एग्ज़ाम था तो मैं उसका डिक्टेशन टेस्ट ले रही थी, तो मैं बोल रही थी तो सोच सोच के लिख रहा था एंड बच्चों को सुला दिया,
और मैं और मेरे हस्बैंड जो है उनके सोने के बाद थोड़ी देर बैठ के बातें शातें करते हैं, कुछ इनको स्वीट वीट खाना हो तो इसी टाइम पे खाते हैं, आइसक्रीम हो गया या कोई सेमिया हो गया, इसी टाइम पे खाते हैं वो। तो टीवी में कुछ चल रहा था उसके बारे में बात करते हैं, जनरली भी थोड़ी देर बात करके उसके बाद हम सो जाते हैं। तो सोने से पहले थोड़ी सी बातचीत आपसे भी करती हूँ मैं। चलिए मिलते हैं। सोने वाले हैं। आज सुबह से मैंने व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि अभिषेक की तबीयत जो है सडनली थोड़ी सी ख़राब हो गई। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने दो दिन हो गया क्या था वो शवरमा जो खाया था ना, जो आपने देखा था व्लॉग में, वो उसमें मेहनीज उसने थोड़ा ज़्यादा खा लिया मुझे ऐसा लगा। उसकी वजह से ही बच्चों को वो इतना सूट नहीं होता है। जब वो खा रहा था तब भी आई वो थिंकिंग कि ये खा रहा है कहीं कुछ हो ना हो, तो उसके बाद से उसको थोड़ा सा फीवर आया एंड उसको फिर वॉमिटिंग भी होने लग गई। तो इसलिए जो है मैंने सुबह से मतलब कुछ भी व्लॉगिंग नहीं करी एंड अभी सुला चुकी हूँ मैं दोनों को। तो अभी ही इज़ फीलिंग बेटर क्योंकि सारे मेडिसिन जो सुबह से मैं प्रॉपरली डाल रही थी उसको, तो अभी ही स्लीपिंग। एंड छोटे बच्चों को कुछ होता है तो बहुत दिल दहल जाता है क्योंकि वो एक तो कुछ बता नहीं सकते कि उनको हो क्या रहा है, दर्द हो रहा है कि वॉमिटिंग आने वाली है या बुखार आ रहा है, कुछ नहीं, एकदम से डल होने लग जाते हैं। एंड उनके सिम्टम्स के हिसाब से मतलब वो जो दिल में थोड़ी घबराहट सी शुरू हो जाती है। कल रात पूरी जो थी नींद नहीं थी। मैं जब भी कुछ गलती, वैसे बहुत रेयरली आता है बच्चों को जुकाम बुखार। एंड दूसरा रीज़न ये था कि हम लोग हैदराबाद से यहाँ आए तो एक तो वहाँ का और यहाँ के क्लाइमेट में डिफरेंस है, प्लस देर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑल्सो बिकॉज बारिश हो रही है, कभी बादल गरज रहे हैं, एकदम से धूप आ रही है। तो इस वाले सीजन में जो है बच्चे जनरली बीमार हो जाते हैं बिकॉज दे कैनॉट रेसिस देमसेल्फ, अपने आप को जो है ढाल नहीं पाते हैं मौसम के हिसाब से। तो फाइनली अभी वो सोया है आराम से, थोड़ा मेडिसिन वेडिसिन डाल दिया मैंने, पंखा नहीं चला है, गर्मी लग रही है। एंड सुबह से उसको उठा के खाना भी बड़ी मुश्किल से बनाया आज कि मेड है नहीं। एंड जैसे ही मैं किचन में जा रही थी, अगर बाजू में नहीं रह रही थी मैं उसको, तो वो रोना शुरू कर रहा था एंड फिर बहुत चिड़चिड़ा हो जा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से जो है आज ये ऑफिस भी नहीं गए अपने, इन्होंने जो है परमिशन ली कि बच्चे को सडनली थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है करके। ये भी सुबह से साथ में ही है मेरे, तो अगर ये नहीं रहते तो थोड़ी और प्रॉब्लम होती। और आदित्य को तो स्कूल भेज दिया था क्योंकि वो रहता तो और तंग कर देता करके। तो अभी ही इज़ फाइन एंड होपफुली अब उसको उल्टी ना हो, क्योंकि उसको जो है उल्टी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो रही थी, एक बार हुई उसके बाद बहुत देर के बाद हुई। तो क्योंकि वो दूध पी रहा है मुझे ऐसा लग रहा है दूध जो है पसता नहीं है, बट ही वॉज आस्किंग, खाना नहीं खा रहा था बिल्कुल भी वो एंड और कुछ भी नहीं खा रहा था। मैंने जो है पतली वाली दाल बनाई कि मैं उसको खिलाऊँ, उतना सा खाया, फिर उसने बोला नहीं खाना है। तो फाइनली उसने जो खाया वो था थोड़ा दूध का जो राइस होता है उसका मैंने बनाया था, तो वो खाया उसने। और उसके बाद जो है बाद में आराम से खेला कूदा भागा दौड़ा चिल्लाया सब कुछ किया एंड दूध भी पिया। एंड दूध की वजह से जो है वो हजम नहीं हुआ, फिर से उसको उल्टी आई है। तो मैं दूध नहीं देना चाह रही हूँ लेकिन वो कुछ खा भी नहीं रहा है, तो क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तो उसने जो खाया था वो थोड़ा उल्टी कर दिया और मेडिसिन डाल लिए और कुछ खाया भी नहीं है, फिलहाल सो गया, बुखार वुखार नहीं है, चेक किया है मैंने। सो स्टिल आई एम लिटिल वरीड, बट प्लीज़ आप लोग प्रे करना कि अभिषेक जल्दी से ठीक हो जाए एंड फिर अच्छे से जो है हंसते खेलते हुए व्लॉग में आके ऐसे ऐसे हाय हाय करता रहे। तो बस इतना ही है। और मैं बस अभी लाइट वाइट ऑफ करके जाने वाली थी बेडरूम में, देखो पसीना कैसे आ रहा है। अभी मुंह हाथ धो के थोड़ा बस फ्रेशअप होके तो जाऊँगी। तो ये ट्राईपॉड कुछ लोगों ने मुझे बोला था कौन सा ट्राईपॉड दिखाओ करके, तो इसके साथ ऐसा रिमोट भी है, पता नहीं कैसे ऑपरेट करना है, मैंने इसको भी इसका कुछ खास यूज़ नहीं किया है। एंड ये जो है लंबा भी हो जाता है, इस हिसाब से आप स्टैंड नीचे खड़ा करके इसको जो ट्राईपॉड होता है उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसका ये वाला क्लिप निकालने के बाद ये तीनों टांगे ऐसे जाती है और यहाँ पे इसको घुमाना होता है ताकि इसकी टांगे लॉक हो जाए इस तरह से। एंड इसको क्लोज करना है तो बस फिर से घुमा के ऐसे करके बस इसको ऐसे कर दो। तो अगर कोई किसी को ट्राईपॉड की ज़रूरत है तो ये ले सकते हैं, मेरा आप अमेज़ॉन पेज चेक कर लेना, वहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसको।
दिस इज़ वन, बस मैं सोच चलो हाथ में है बता देती हूँ। एक्चुअली किचन साफ़ कर रही थी तो वहाँ पे रखा हुआ था कल से ऐसे ही, और मैंने कुछ भी नहीं निकाला, किचन भी बिल्कुल साफ़ नहीं किया। अभी जस्ट डिशवॉशर में बर्तन रख के मैं ऑन करके आई हूँ उसको, अदरवाइज़ जो भी खड़े थे बस ऊपर ऊपर रखे थे, क्योंकि उसके अंदर के मैंने अरेंज नहीं करे थे कल से, जो है अभिषेक के साथ ही बिजी थी मैं एंड अभी रख के आई हूँ, तो ये वहाँ पर पड़ा था, मैंने लेके आ रही थी तो दिख गया इसलिए दिखा दिया। चलिए अभी कब मिलेंगे पता नहीं, बिकॉज सुबह से तो मैंने करी नहीं, अभी करी है व्लॉगिंग जो भी है। चलिए मिलते हैं बाद में, गुड नाइट, बाय बाय। क्योंकि अभिषेक की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग वॉगिंग कुछ नहीं करी। तो जो लोग बोलते हैं ना कि आप अपनी फैमिली पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो, जैसे कि मैंने अभी इस वीडियो में मेरे जो बच्चे की तबीयत ख़राब थी उसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया, राइट, बिकॉज आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिम। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम भी ह्यूमन बींग है आपकी तरह, हम भी पेरेंट्स हैं, हम सब कुछ प्रॉपरली केयर लेते हैं। आप ये मत बोला कीजिए कि हमेशा व्लॉगिंग, इट्स नॉट हमेशा व्लॉगिंग। सो हमको पता होता है कि कब करनी है या कब नहीं करनी है। तो अभी अभिषेक एकदम चंगा है, अभी क्या कल से एकदम ठीक है। तो क्या नाम है, मैंने जो शीन का इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा कि पीछे वो कैसे तफरी मार रहा था, तो वो ठीक होने के बाद का सीन था। तो कल भी उसके बाद मैंने व्लॉगिंग नहीं करी एंड अभिषेक की तबीयत ख़राब है, वो ठीक हो गया। आदित्य को भी थोड़ी सी अभी साथ में रहते हैं बच्चे, जब एक घर में थोड़ा इन्फेक्शन लग जाता है तो वो थोड़ा बड़ा है तो ही हैव लिटिल मोर रेसिस्टेंस पावर। तो उसको एक बार बस उल्टी हुई थी, बुखार तो आया नहीं उसको, उसके बाद ही इज़ फाइन, बिकॉज मैंने क्या नाम है उससे रिलेटेड जो भी दवाई थी उसको डाल दी, तब से उसका कोई तबीयत ख़राब नहीं है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं करी, अभी दोनों ठीक है। और मैं सोच रही थी एक और खुशखबरी की चीज़ थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन जब घर में किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो दिल से आवाज़ नहीं निकलती है कि ऐसी चीज़ें शेयर कर पाएँ, बिकॉज सब कुछ हैप्पी हैप्पी होना चाहिए ना, तभी तो हो जाएगा। अभी आई एम हैप्पी कि पहले मेरे फैमिली में सब लोग ठीक है, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा सब ठीक है। तो अब मैं आप लोग के साथ एक बहुत बड़ी खुशी शेयर करने जा रही हूँ। तो जो खुशखबरी है वो ये है कि आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर सोशल मीडिया अवार्ड्स एंड इसको कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो नॉमिनेट तो हुए हैं, अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं, बट नॉमिनेशन में आना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, इट्स अ बिग 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 थिंग। बिकॉज जैसे मैंने कहा था, जब भी आप किसी में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये मत सोचिए कि आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, पार्टिसिपेशन इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट। तो जो जो वहाँ पे होने वाला है, जो भी सेशंस होंगे उन सब का, मतलब ऑलरेडी मुझे मेल आ गया है कि आई एम नॉमिनेटेड एंड ये जो प्रोग्राम है विजयवाड़ा में केएल यूनिवर्सिटी में 2 दिन चलने वाला है, 29 एंड 30 को। एंड 29 एंड 30 तारीख को अगर विजयवाड़ा से कोई मुझे मिलने आना चाहता है तो वो वहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि मेरे अलावा भी आपके बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर वहाँ पर हो सकते हैं, बहुत लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग। तो इट विल बी लाइक है ना, मीट एंड ग्रीट भी हो जाएगा, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन में हम लोग कुछ यूट्यूबर से मिले थे, वैसे ही अभी भी मिलेंगे, पर वहाँ पे जनता जनार्दन नहीं थी जो आप लोग हैं। एंड सुबह 9 बजे से जो है प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे, मतलब कुछ स्पीचेस होंगी सोशल मीडिया के बारे में एंड हाउ यू कैन यू नो ग्रो योर चैनल एंड थिंग्स लाइक दैट एंड मैनी इंस्पिरेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल स्पीचेस, वो सारी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें। सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है एंड नेक्स्ट दिन का सेशन भी सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम को 7:30 बजे तक है। तो वो तो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना देर वहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि जो बाकी स्टेट से आ रहे हैं, तेलंगाना से भी लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से भी आ रहे हैं, केरला से भी आ रहे हैं, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोग को केएल यूनिवर्सिटी में ही स्टे दिया हुआ है रहने के लिए 2 दिन का, क्योंकि मैं तो यहाँ की वासी हूँ तो मेरे को रूम का कोई झंझट नहीं है, मैं आराम से, मेरे घर के नज़दीक ही है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मैं आराम से जाके वापस घर में आके रेस्ट कर सकती हूँ। तो वो एक सीन है। तो 9 मिनट में हो गई और वहाँ जाने के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या मैं एक्सप्लोर करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अवार्ड मिलता है कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन आप लोग प्रे ज़रूर कीजिएगा कि मिल जाए, है ना। तो वहाँ पे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, इंस्टाग्राम के आएंगे, यूट्यूब के आएंगे, टिकटॉक के आएंगे, मतलब जो भी सोशल मीडिया, मतलब आजकल नेट में जो जो चलता है, जहाँ पे जो चीज़ फेमस है,
जैसे टिकटॉक बहुत चलता है, इंस्टाग्राम बहुत चलता है, यूट्यूब बहुत चलता है, फेसबुक बहुत चलता है, व्हाट्सअप बहुत चलता है, तो इन पांच चीज़ों के जो इन्फ्लुएंसर्स है, और भी अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया हो तो वो भी आप ले लेना इसमें, तो इन सब के जो भी इन्फ्लुएंसर्स है वो सारे वहाँ पे एकत्रित होंगे अवार्ड फंक्शन में। मैं तो मोर एक्साइटेड हूँ कि मैं वहाँ जाके चिल मारूँ एंड कुछ ना कुछ सीखूँ एंड अपने चैनल को और बेटर कैसे बनाऊँ, तो वही मेरा मोटिव है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा तेलुगु चैनल भी है एंड हिंदी चैनल भी है, तो अवार्ड में जो है उन्होंने मेरे दोनों चैनल को जो है नॉमिनेट किया हुआ है, क्योंकि अगर तेलुगु कैटेगरी में आना होगा तो तेलुगु उसमें अवार्ड आ जाए, अगर हिंदी उसमें आना होगा तो हिंदी उसमें आ जाए, तो जिसमें भी आ जाए खुश हैं हम तो भाई। तो बस प्रे करती हूँ कि आ जाए। और मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि आप नॉमिनेट हुए कि नहीं, वो इसलिए क्योंकि बहुत लोगों ने जो है ऑलरेडी वीडियो बना के डाल रखा है। मैं अभी शूट कर रही हूँ और कब तक मैं पोस्ट करूँगी मुझे पता नहीं, क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला ये सब शूट करके आपको बताने के लिए, बट स्टिल अब तो मैंने बता दिया एंड आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी। पेट में बटरफ्लाइज हो रही है एंड सुबह सुबह बच्चों के साथ वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक्चुअली स्कूल के लिए रेडी करना अलग है, लेकिन अपने आप को भी रेडी करके, क्योंकि स्कूल में अगर इनको छोड़ना भी होता है ना, तो मैं ऐसी जैसे अभी बैठी हूँ ऐसे, बस ऐसे जूड़ा बांध लिया, कीज निकाली, चल दिए और चल लेती हूँ ऐसे। लेकिन अभी कहीं अवार्ड फंक्शन में जा रहे हैं या जहाँ पे भी जा रहे हैं, थोड़ा रेडी होना बनता है ना, तो इसलिए रेडी भी होना पड़ेगा। पहले उनको रेडी करूँगी कि पहले मैं रेडी होंगी, क्योंकि जो मैंने इससे पहले मिसेस इंडिया के जो कंपटीशन में रेडी हुई उसमें तो मैं अकेले गई थी, बच्चे तो घर में मम्मी के पास थे, तो यहाँ पे तो सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो देखना पड़ेगा कि जिस दिन जाना है उस दिन सुबह कैसी होती है, जितना हम चाहते हैं प्रॉपरली रेडी होना उतना हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है, राइट। घर में जब हम लोग क्लीनिंग भी नहीं करते, अगर उस अवतार भी लेंगे तो लोग देख के वैसे शौक तो नहीं होंगे, है ना, बिकॉज जानते हैं, बट स्टिल रेडी होना तो बनता है। तो मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, बट मैं तो बस आपको बताने में जितना हैप्पी हो रही हूँ ना मैं, उतना तो शायद मैं मेल देख के भी नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे जब मुझे मेल आया था मेरे आजू बाजू कोई भी नहीं था, बच्चे बीमार थे एंड आई वाज लाइक, खुशी तो हुई थी बट उस टाइम पे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी इतना। तो अभी जो है मैंने पूरी अपनी जो खुशी की भड़ास होती है ना वो सारी निकाल ली है, तो आपको पता लग रहा होगा वो, है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट वाला व्लॉग जो होगा अवार्ड फंक्शन का, उसको ज़रूर देखिएगा पूरा, जो भी है मैं सब कुछ शूट करूँगी जितना मुझसे हो सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है एंड दुआ कर रहे हो मेरे लिए कि आपको अवार्ड ज़रूर आए, तो वो लाइक जो है आप मुझे अवार्ड के तरीके में दे सकते हैं, तो लाइक चिपका दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करिए, घंटी बजा के, घंटी नहीं बजाओगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन कैसे आएगा, तो घंटी बजा दीजिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो घर बैठे ये सब लोग कमा सकते हैं विदाउट एनी मेहनत एक्स्ट्रा इनकम, तो डाउनलोड कीजिए आज ही इस मीशो ऐप को, और करना कुछ भी नहीं है, आपको जो पसंद आ रहा है आइटम और जिस टाइप का आपका ग्रुप है उसमें आपके मनपसंद आइटम को आप शेयर कीजिए, और अगर किसी को पसंद आता है वो आइटम तो बस कैश ऑन डिलीवरी पे उनको भेज दीजिए। तो भेजने का प्रोसेस भी आपको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके ग्रुप में हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा है, तो हाउसवाइफ को जो है किचन के रिलेटेड आइटम बहुत पसंद होते हैं, तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया है, ऐसे आप एक कढ़ाई सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कैश ऑन डिलीवरी पे आप सेंड कर सकते हैं। तो अभी इसका कॉस्ट है 558, तो कमाई कैसे होगी, आपको करना है ऐड मार्जिन, तो मैंने यहाँ 600 रुपये टोटल डाला है, तो मेरा मार्जिन बनता है 42 रुपीस, ये है मेरी कमाई। तो इट इज़ वेरी सिंपल, सो डाउनलोड नाउ एंड एन्जॉय योर अर्निंग्स।